वीडियो 13 मेल मर्ज। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था मेल मर्ज को थ्रू द एमएस वर्ड करना। अब हम सीखेंगे मेल मर्ज को एक्सेल के द्वारा करना, क्योंकि किसी भी कंपनी में होता क्या है, जो आपके पास डेटा आता है वो डेटा एक्सेल की फाइल में होता है। अब उस एक्सेल की फाइल में हजारों नाम हो सकते हैं। अब हजारों लोगों को अगर आपको मेल एक क्लिक पे मेल भेजना है तो आप कैसे भेजोगे? तो इस काम को करने के लिए एमएस वर्ड का जो प्रोसेस है वो काफी लेंथी है, तो इसके लिए हम एक्सेल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा डेटाबेस बनाया है जिसमें टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल एंड एड्रेस, आपको इस तरीके से डेटा मैनेज कर लेना है। अब इस फाइल को आपको सिंपली करना है सेव। इस फाइल को हम सिंपली सेव कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पर। तो सिंपली डेस्कटॉप पे सैलरी डिपार्टमेंट नाम से हमने इस फाइल को सेव कर दिया है। अभी जो ये फाइल सेव हुआ है ये एक्सेल का फाइल है और अभी हमें इस फाइल की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसे क्लोज कर सकते हो। तो एक्सेल का काम यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हम अपने एमएस वर्ड की फाइल को खोल लेते हैं जिसपे हमारा एक लेटर है। तो सपोज ये हमारे पास एक लेटर है जिसके आगे हमें नेम, कॉन्टेक्ट, ई मेल एड्रेस एंड एड्रेस एंड नेम, तो यहाँ पे हमें डिटेल्स प्रिंट कराने हैं। तो हम सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे जो हमने एमएस वर्ड में किया था। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट रिसिप्ट में जाना है एंड लास्ट टाइम जो हमने बाय द वर्ड किया था उसमें हमने टाइप न्यू लिस्ट किया था। अब आपको टाइप न्यू लिस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यूज करना है यूज एन एग्जिटिंग लिस्ट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे फाइल पूछेगा कि किस फाइल में आपका डेटाबेस है। लास्ट टाइम हमने एमएस एक्सेस का डेटाबेस उठाया था, अभी आपको डेस्कटॉप पे जाना है और डेस्कटॉप पे सिंपली जो एक्सेल की फाइल आपने सेव किया है उस फाइल को यहाँ पे आप ओपन करेंगे। फाइल ओपन होने पर ये आपको किस शीट पे आपका डेटा है, जिस किसी शीट पे आपका डेटा होगा यहाँ पे आपको उस शीट को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। अब जो भी उस एक्सेल की शीट का डेटा है वो आपका इंसर्ट मर्ज फील्ड में इम्पोर्ट हो गया होगा। तो आप नेम के आगे टाइटल ले लेंगे, देन आप फिर इसके आगे फर्स्ट नेम ले लेंगे, देन इसके आगे लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट के आगे आप कॉन्टेक्ट को रखेंगे, ईमेल के आगे ईमेल को रखेंगे एंड एड्रेस के आगे आप एड्रेस को रखेंगे। देन सेम इसी तरीके से नेम के आगे टाइटल, देन फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम। इस तरीके से आपको डेटा ले लेना है और प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे जो भी एक्सेल की फाइल में जो भी डेटा था वो डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट हो जाएगा। अगर इन सभी जो लेटर्स हैं यहाँ पे उनको आप अलग अलग पेजेस में प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप फिनिश में जाएंगे, देन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करेंगे, देन आपको ओके कर देना है। ओके करने पर आप देखेंगे सभी रिकॉर्ड्स अलग अलग पेजेस पे यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे। पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वो कर सकते हो। फिलहाल ये नया फाइल खुल गया है, आप इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हो। सेव करना है सेव करो, नहीं करना तो मत करो। ये हमारा पुराना फाइल आ गया, देन आप प्रिंट आउट ले सकते हो यहाँ से। देन सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन मेल, आप यहाँ से आपको ईमेल एड्रेस रखना है। जब आप इसे ओके करोगे तो ओके करने पे होगा क्या कि आपका जो एमएस वर्ड है आपके आउटलुक से कनेक्ट हो जाएगा और इन सभी लोगों को मेल सेंड हो जाएंगे। अगर आपके डेटाबेस में कुछ मिस्टेक है या कोई रिकॉर्ड गलत है तो यहाँ एडिट में जाना है आपको, देन सैलरी पे क्लिक करके आपको एडिट कर देना है। तो यहाँ से आपने डेटाबेस को आप एडिट भी कर पाओगे। होप आपको बहुत आसान तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एक्सेल के डेटाबेस का जो एक्सेल में जो भी आपका डेटा है उसको आप वर्ड में इम्पोर्ट कर सकते हो और मेल मर्ज के थ्रू एक क्लिक पर हजारों लोगों को मेल सेंड कर सकते हो। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।